जंक्शन डायोड मतलब पीएन डायोड। पीएन डायोड अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। पीएन डायोड सबसे पहले यूज होता है एज अ जीनर डायोड। जीनर डायोड सबसे इंपॉर्टेंट डायोड है, इसके ऊपर कॉम्पिटिशन के अंदर क्वेश्चन 100% आने वाला है। लेकिन उससे पहले जंक्शन डायोड जीनर डायोड एंड में करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज फोटो डायोड। पहले फोटो डायोड के बारे में बता, फोटो डायोड एक लाइन का है। फोटो डायोड क्या करेगा, फोटो डायोड फोटोन्स इसके ऊपर गिरते हैं और फोटोन्स गिर के एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को। वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन होल्स मूव करते हैं, मूव करते हैं तो करंट पैदा होता है, तो वो जो करंट है वो हम यूज़ करते हैं। तो फोटो डायोड क्या डिवाइस है, जो कि फोटोन्स को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल करंट में। तो फोटोन्स को, फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, वो फोटो डायोड है। ठीक, और इसमें दो चीज़ें बस याद करनी है, वर्किंग वर्किंग कुछ नहीं करना हमने। पहली चीज़ वो पूछेगा फोटो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ करते हैं या रिवर्स बायसिंग में। तो आप इम्पॉर्टेंट है इसमें लिखेंगे फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायसिंग में ही यूज़ किया जाता है। तो फोटो डायोड वो पूछेगा, अब इसकी वर्किंग तो कर नहीं रहे तो इतना याद ही कर लो, फोटो डायोड किस में यूज़ किया जाता है, आपने बोला रिवर्स बायसिंग। जीनर डायोड जो अभी छोड़ा वो किस में यूज़ किया जाता है, रिवर्स बायसिंग। फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग, जीनर डायोड रिवर्स बायसिंग। नेक्स्ट, फोटो डायोड के अंदर क्योंकि रिवर्स बायसिंग में तो इसमें बहुत ही छोटा करंट पैदा होने वाला है, बहुत छोटे करंट को क्या बोलते थे, रिवर्स करंट। याद करो रिवर्स बायसिंग में रिवर्स करंट या लीकेज करंट, और इसमें यूज़ करते हैं डार्क करंट। ये एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ था और नीट या मेन में आया हुआ क्वेश्चन है फोटो डायोड में, उसके करंट की वैल्यू का नाम बताओ, उसका नाम है डार्क करंट। ठीक है, और हो सकता है आपको भी आ जाए कि रिवर्स करंट को ही डार्क करंट बोलते हैं। नेक्स्ट, फोटो डायोड की वर्किंग नहीं करनी, पर ये बहुत बार पेपर में आया है पीवाईक्यू के अंदर, इसके करेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करो फोटो डायोड के, क्योंकि फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करता है। तो रिवर्स बायसिंग में करंट और वोल्टेज का ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड में, जिसमें सैचुरेशन करंट है और ये ब्रेकडाउन है। हाँ, इसमें ये बता रखा है अगर फोटोन्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा लीकेज करंट ज़्यादा है, और अगर कम है तो कम है, और कम है तो और कम है, इंटेंसिटी कम है तो करंट भी कम है, लेकिन होगा रिवर्स करंट, ये फॉरवर्ड करंट नहीं होगा। और रिवर्स करंट किसमें मेजर किया जाए, माइक्रो एम्पियर में। बस दो चीज़ें याद करनी है, फोटोडायोड क्या करता है, फोटोडायोड की करेक्टरिस्टिक्स देखने में कैसी होती है, याद भी नहीं करनी, टिक मार्क करना है करेक्ट ऑप्शन, ऐसी होती हैं, और रिवर्स बायसिंग में काम करता है। नेक्स्ट जो आपका डायोड है उसका नाम है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। दिवाली आती है, आप जाते हो लड़ियां लेके आएंगे, घर सजाएंगे, ये यही लेके आते हो एलईडी, यही एलईडीज लगी होती हैं इसमें। एलईडी देखने में ऐसी लगी होती है, या रिमोट के अंदर देखो एलईडी लगी होती है, एक छोटी सी आगे रेड कलर की वो ब्लिंक करती है, ऐसे बहुत जगह एलईडीज लगी होती हैं। तो लाइट एमिटिंग डायोड, तो आप बिजली देते हो और वो लाइट को क्या करती है, एमिट करती है। कैसे, जब तुम लाइट देते हो, बिजली देते हो, इलेक्ट्रॉन होल्स को एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रॉन होल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और मूव करते करते वो कंबाइन हो जाते हैं जंक्शन पे, और जब वो कंबाइन होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लाइट में बाहर आ जाती है, इसे बोलते हैं एलईडी। तो लाइट में बाहर आती है, ये एलईडी का काम है। वो पूछेगा एलईडी किस में काम करती है, एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग में काम करती है। हम चाहते हैं मेजोरिटी कैरियर जाएं जंक्शन पे, ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एमिट करें। तो जीनर डायोड रिवर्स बायसिंग में, फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग में, एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग में। और एलईडी की करेक्टरिस्टिक्स याद करनी पड़ेंगी, एलईडी की ये करेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग है तो फॉरवर्ड करंट बनेगा। तो ग्राफ तो हमने एक ही किया हुआ है, पर एलईडी में 7 रंग की एलईडी आती है वेप्योर, तो आप इसका पैटर्न ऐसे याद करेंगे, 7ों का पैटर्न ऐसा ही है, फॉरवर्ड करंट होगा, फॉरवर्ड करंट ऐसा बनेगा। मतलब आपको प्लॉट ही करना है, आपको तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसमें ये भी एक फीचर था वैसे तो, कि एलईडी के अंदर अगर आपको अलग अलग रंग चाहिए तो जैसे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज़ करते हैं, तो अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं और इसमें आर्सेनाइड की रेशियो 1 मान लो 60% है, फॉस्फरस की 40% है, तो उस केस में कलर रेड कलर की एलईडी बनेगी। मिक्सचर है ना, सेमीकंडक्टर के मिक्सचर बनाते हैं इसमें। तो जैसे मान लो GaP है, तो अगर आप गैलियम यूज़ करते हो और फॉस्फरस यूज़ करते हो तो ग्रीन कलर की एलईडी है। पर आता नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कैसे मिक्सचर यूज़ कर करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं। लिखा नहीं हुआ ये, लिखा नहीं हुआ। ठीक,
तो ऐसा कुछ मैंने कहीं से नोट किया हुआ, ऐसा है, आता नहीं है क्वेश्चन। तो इसकी एलईडी की करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट जो है सोलर सेल। सोलर सेल के अंदर क्या होता है, छतों में आजकल बहुत ट्रेंड में है सोलर सेल। मैं क्या आजकल सोलर पैनल लगवाऊंगा, बिजली बचाऊंगा, पैसे बचाऊंगा, मेरा बिल भी नहीं आएगा और एसी में बैठूंगा भी, ऐसे ही है ठीक है। सोलर पैनल, सोलर पैनल छतों में लगे होते हैं वो सिल्वर कलर के, और उसके अंदर क्या होता है, उसमें तो हज़ारों की क्वांटिटी में ये होता है, ये है बेसिकली, एक 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 हज़ारों में ऐसा। देखो ये कर क्या रही है, कुछ नहीं किया, बस पीएन जंक्शन रख दिया, बस ये पी है और ये एन है। पीएन जंक्शन को धूप में रख दिया ऊपर और ऐसे हज़ारों में रख दिया। एक ही बात कर लेते हैं पहले, तो इस पीएन जंक्शन के इसके सर पे एक मेटल का, आयरन का कुछ, मेटल का ऐसा कुछ हाथ रख दिया, हैंड रख दिया, मेटल का है। धूप गिरी, फोटोन्स गिरे, फोटोन ने पी और एन रिलीज किए, इलेक्ट्रॉन होल रिलीज किए, क्योंकि जब धूप गिरेगी फोटोन गिरेंगे तो उसके सिलिकॉन जो भी इसमें यूज़ कर रहे हैं वो बॉन्ड टूट जाएंगे सिलिकॉन के, लाखों बॉन्ड तोड़ती रहेगी धूप फोटोन गिर गिर के, पूरा दिन बॉन्ड टूटते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स रिलीज होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्योंकि कंडक्टर ढूंढता है मूव करने के लिए, उसको कंडक्टर छत पे मिल गया, उसके सर पे एक मेटल का हाथ रखा हुआ है, फटाफट उसके ऊपर चढ़ गया और होल नीचे रह गए बेचारे। पूरा दिन ये होता रहता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ते रहते हैं, होल नीचे क्रिएट होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने का मतलब ये पूरी प्लेट्स किस में कन्वर्ट हो गई, नेगेटिव, और नीचे क्या जनरेट हो गया, होल्स की वजह से पॉजिटिव। पूरा दिन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता रहता है। तुम एक बल्ब लेके आओ, उस बल्ब को यहाँ ज्वाइन करो, इलेक्ट्रॉन रास्ता ढूंढ के यहाँ से अपनी फिर अपनी जगह पे आ जाएंगे और यहाँ करंट पैदा होगा, तुम अपने घर की लाइट चला सकते हो। पर हम ऐसा करते नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है तुम लाइट मत जलाओ, कोई टाइम लाइट हम जला देंगे, तुम बस जो ये प्लस और माइनस जनरेट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी जो बिजली पैदा हो रही है उसको स्टोर कर लो। और स्टोर या तो तुम अपने घर पे कर लो, दो ऑप्शन देती है गवर्नमेंट, या तो अपने घर में करे जाओ, इन्वर्टर में कर लो, या फिर हमें वापस कर दो। तो एक ट्रांसमिशन लाइन है, वो क्या करती है, ये जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, गवर्नमेंट जो पूरा दिन ये बिजली बनी जा रही है, करंट बनी जा रहा है, वो करंट यूज़ मत करो, वो गवर्नमेंट को ये वापस चली जाती है। गवर्नमेंट के पास तो बहुत स्टोरेज सिस्टम है, तो जहाँ वो स्टोर करती है बिजली, उसमें बिजली को डाल देती है और हमसे नोट कर लेती है कि पूरे दिन में तुम्हारे घर ने 4 यूनिट ऑफ बिजली बनाई है, और 30 दिन के अंदर 4 × 120 यूनिट की बिजली बनाई है, और 120 का मतलब अगर 10 रुपये यूनिट है तो 1200 रुपये तुम्हारा सेव हो जाता है। तो आप देख लो कि इस हिसाब से अगर 10 यूनिट हैं रोज के, ये धूप जनरेट कर रही है, कुछ भी ना किया तुमने तो, और 10 × आप 10 लगाओ 100 रुपये रोज की बिजली, 30 का मतलब 3000 रुपया आपका बच जाता है। फिर आपका मन करेगा यार पैनल थोड़ा बड़ा लगवा लेते हैं, और बड़ा लगवाते हैं तो लोग बड़े बड़े लगवाते हैं, तो 20-20 हज़ार रुपये बिजली सेव हो जाती है। तो गवर्नमेंट के जो बिल है बिजली का, वो काट के दे देती है कि चलो इतने यूनिट तुमने दिए, इतने हमारे सेव हो गए, इतने कंज्यूम हो गए, बचे हुए आपके बिल हो गया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, और हमने किया भी क्या, पैनल तो लगवाया है, काम तो धूप करी जा रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, प्लस माइनस जनरेट करने का सिस्टम है सोलर सेल्स में। और ऐसे जितना मर्जी बड़ा पैनल लगवा लो और जितनी मर्जी बिजली जनरेट करवा दो। तुम अगर आईटी पार्क गए हो चंडीगढ़, अभी कभी चक्कर मार लेना, उसके सामने वो एक शेड बना है बहुत बड़ा, तुम्हें लगेगा ये क्या शेड बनाया है लोहे का अजीब सा, तो उसके ऊपर सोलर पैनल है, नीचे वो चार्जिंग स्टेशन है, दोनों काम है, बिजली गवर्नमेंट भी लिए जा रही है, चार्जिंग स्टेशन भी लिए जा रही है, और गाड़ियां पार्क भी हो जा रही हैं। इसे बोलते हैं ये जो है दिमाग लगाना, सही दिमाग लगाया है ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या सिस्टम है, सारा काम इकट्ठे होता जा रहा है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स याद करो, करेक्टरिस्टिक्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, वोल्टेज ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें जब आपने प्लस और माइनस इकट्ठा किया तो मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप हो गया इतना, तो करंट आपने यूज़ नहीं किया था, ये मैक्सिमम पोटेंशियल, तुमने उसको ज्वाइन कर दिया प्लस माइनस को, करंट निकलना स्टार्ट हो गया, तुम्हारा पोटेंशियल गिरना स्टार्ट हो गया और करंट इसमें मैक्सिमम हो गया, शॉर्ट सर्किट कर दिया तुमने, तो करंट आपका मैक्स हो गया, पोटेंशियल थोड़ी देर में आपका जीरो हो जाएगा। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, इसको याद करना है। और लास्ट क्वेश्चन सोलर पैनल में ही आता है, सोलर सेल में, कि क्यों गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है सोलर पैनल्स के अंदर, भाई यही यूज़ किया जाता है, जर्मेनियम नहीं यूज़ करते और कोई सेमीकंडक्टर यूज़ नहीं करते, यही यूज़ करते हैं, क्यों? तो जब हमने धूप यानी कि हमारी जो रेडिएशंस हैं उनके फोटोन्स को स्टडी किया, कितने फोटोन्स गिरते हैं पैनल के ऊपर, तो ये पता लगा कि सारे फोटोन की एनर्जी एक जैसी होती नहीं,
कोई फोटोन कमज़ोर होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई बहुत स्ट्रांग होता है। और ये देखा गया धूप के ज़्यादा फोटोन्स 1.5 मेगा सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी के होते हैं। हाँ, कुछ फोटोन 3 के भी होते हैं, 3.5 के भी होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं। और कोई बहुत लो एनर्जी के भी होते हैं, लेकिन वो भी कम होते हैं। ज़्यादातर लाखों फोटोन जो हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होते हैं। और सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर्स का वर्क फंक्शन 1.5 से कम है, 1.4 है। तो इसको तोड़ के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना बहुत आसान है। तो ज़्यादातर जो फोटोन्स हैं 1.5 से ऊपर, वो सिलिकॉन के बॉन्ड को आसानी से तोड़ देंगे और इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जनरेट कर देंगे। इसलिए सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि क्या लॉजिक है इसका?